हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भर रहे हैं अबू ग्रासिया की प्रो मैक्स। ये अबू ग्रासिया की प्रो मैक्स रील है। हमने इसमें ये रील हम बना रहे हैं, आकाश भाई अकोला महाराष्ट्र के हैं, उनको हमने सेकेंड हैंड रील दी है, तो हम उनके लिए रेडी कर रहे हैं ये रील। और इसमें हमने दोनों मेटल के गेयर डाले हैं ये दोनों, और इसके अंदर कुछ चेंजेस भी करें जिससे रील की लाइफ और लंबी हो। इसमें कंपनी देती है पिनियन गियर छोटा, हमने इसमें डाला है लंबा पिनियन गियर, और ड्रैग पावर भी बढ़ाया हमने इसमें, वाइशर बढ़ाए हमने इसमें, हमने ये नया गियर डाले हैं दोनों, और ये वाइशर बढ़ाए हैं इसमें जिससे इसका ड्रैग पावर और ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये हमने दो फाइबर के वाइशर और दो मेटल के वाइशर दिए इसमें, इससे ड्रैग पावर और मजबूत हो जाए। और इसमें हमने से ये कैप डाला है मेटल का, और इसमें एक बैरिंग यहाँ देती है कंपनी सिर्फ, स्लाइडर में वन बैरिंग आता है ओनली ज़्यादातर रीलों में। हमने इसमें दूसरा बैरिंग भी लगाया, दो बैरिंग लगाए, एक यहाँ एक यहाँ, जिससे इसकी लाइफ लंबी रहे और ये कटे नहीं यहाँ से। ये अक्सर क्या है, फाइबर का वाइशर ही कट जाता है, तो ये वाइशर कटेगा नहीं, दोनों बैरिंग लग जाएंगे तो ये स्लाइडर बिल्कुल सीधा चलेगा। कंपनी जो देती है इस साइड बैरिंग नहीं देती, जिसके वजह से ये पिन पॉल की वजह से प्रेशर पड़ के ये एक साइड से कटता रहता है। अब दोनों तरफ बैरिंग होने का ये स्ट्रेट चलेगा बिल्कुल, और बिल्कुल स्मूथ चलेगा। हम लाएंगे इसके ऊपर वाइशर, उसके बाद हम लाएंगे इसके ऊपर ये, से ड्रैग पावर अच्छा हो जाएगा इसका और रील का। आकाश भाई का खुद का भी यूट्यूब चैनल है, वो ऑलरेडी दो रील यूज कर रहे हैं, एक तो फिशर किंग है उनके पास, एक उनका अबू ग्रासिया चाहिए थी, वो चाहते थे कि रील मॉडिफाई करके दूँ मैं उनको ऐसी जो बेहतर से बेहतर चल सके, लंबे सर्विस दे सके, तो हम ये रील उनको बना के दे रहे हैं। इसमें इस बैरिंग हमने बड़ा बैरिंग लगाया जिससे पिनियन गियर इसमें ऊपर नीचे होगा ऐसे, ये देखिए, इससे रील की लाइफ अच्छी होती है। और शॉर्ट गियर डाल देते हैं तो सिर्फ स्पूल की रॉड पर टिक के चलता है, और स्पूल निकालना चलाओ तो आड़ा तेड़ा चलता है, सीधा नहीं चलता। मगर ये लंबा गियर होता है, इसमें यहाँ भी सपोर्ट करता है बैरिंग में भी, और यहाँ पर भी सपोर्ट करता है दोनों जगह, जिससे इसका बैलेंस अच्छा बन जाता है। सबसे छोटा स्क्रू यहाँ लगता है इसमें अबू ग्रासिया में। उससे पहले हम इसका एक चीज़ और लगाएंगे, हम लगाएंगे इसका ये वाला मैग्नेट कवर का लॉक और उसका स्प्रिंग, ये हम लगाना भूल गए थे, हमने लगा दिया है। मेटल के गियर डालने से ये है कि इसकी लाइफ लंबी बढ़ जाती है, और फिर गियर टूटता नहीं है मेटल का, फाइबर का तो फिर भी और पॉल फंसती है तो टूट जाता है, मगर मेटल में ये बीमारी नहीं होती। और एक गियर टूटने वजह से कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं फिर इसमें, तो इसके लिए मेटल का गियर देते हैं इन रीलों में। तकरीबन अभी हम जब ड्रैग टाइट करेंगे जब फ्री होगी है, इसका वाइशर लगाएंगे हम, ये दोनों ब्रांड वाइशर लगेंगे इसके, इसको हम ऊपर दे देते हैं इससे इसका वो रहेगा। देखिए जाने फंस रहा था, यहाँ बावड़ी आ चुकी है इसके ऊपर, हम इस बावड़ी को सही करेंगे,
थोड़ी से, ये बैठ गया हमारा। अब हम इसके लगाएंगे दोनों ये वाले वाइशर। इसके बाद हम लगाएंगे फ्लैट वाइशर। इसमें जो कमियाँ थी वो हमने कंप्लीट पूरी कर दी हैं। अब ये रील लंबी सर्विस देगी। कई रिक्वेस्ट भी आई थी हमारे पास कि आप अबोगुर आसिया के अंदर मॉडिफाई करें। हमने आज इस रील में आकाश भाई की रील में मॉडिफाई करा है और इसकी लंबी सर्विस बहुत लंबी रहेगी। इसके सारे हमने सारे बैरिंग चेंज कर दिए क्योंकि हम सेकेंड हैंड रील भी देते हैं तो ऐसे करके देते हैं। ये सामने वाला चला है तो याद रखें उसको। ऐसा नहीं है कि हम पुरानी बैरिंग डाल देंगे इसमें। सारे बैरिंग हमने चेंज कर दिए, इसके सारे बैरिंग नए डाल दिए और गियर सिस्टम भी चेंज करा हमने इसका। ये देखिए गाइस, ये हमारी रील हो गई परफेक्ट, बिल्कुल स्मूथ रील है ये बिल्कुल। ये देखिए दूर सेटिंग भी परफेक्ट और आज का ये देखिए स्पूल भी स्मूथ घूम रहा है। हमने ये स्पूल के भी दोनों बैरिंग चेंज कर दिए जिससे इसकी सर्विस और अच्छी रहे और साउंड अब बिल्कुल नहीं है इसमें। सिर्फ एक पॉल थोड़ी सी टाइट है, इसकी वजह से गियर का साउंड आ रहा है हल्का सा मामूली। ये भी जब फ्री होगी पॉल तो ये साउंड ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये जो इसके जो खांचे होते हैं ये चल के कट जाते हैं। तो हम जब नई पिन बनाते हैं तो इसमें बिल्कुल फिक्स बनाते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम ये पिन या ये कटे तो बिल्कुल परफेक्ट खांचा कटे। अब कंपनी के आगे से वी शेप में दे देती है पिन को, तो जिसकी वजह से ये खांचा ऊपर से कट जाता है नीचे से नहीं कटता। तो हम इसलिए पिन बिल्कुल स्ट्रेट बनाते हैं पूरी, जो अंदर जाके इसके टच हो और उसके बाद बिल्कुल फिक्स पिन रहे और बराबर रोटेट करेगी इसमें तो ना तो रॉड कटेगी ज़्यादा और ना पिन कटेगी। देखिए बिल्कुल स्मूथ चल रही है रील। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा शेयर करें।